किसी ने कोई हत्या की चौधरी को ढेर कर दूंगा। क्या चाहते हो शिकारी सुल्तान? मेरे भाई को किसने कत्ल किया है गुलबाद खान? वही जो मेरे चचाजाद भाई चौधरी करामत का खास आदमी और बॉडीगार्ड था। एक ही तो भाई था मेरा, और वो भी उस वक्त कत्ल हुआ जब तुम्हारे इलाके में किसी काम से आया था। मुझे क्या मालूम कि तुम्हें मालूम होना चाहिए चौधरी, तुम्हारे इलाके में किसने किसका कत्ल किया है? जो मालूम तो है, लेकिन मैं तुम्हें चंद लम्हों की मोहलत देता हूं चौधरी। अगर तुमने मेरे भाई के कातिल का पता नहीं बताया तो मेरी बंदूक की गोली इस कांच के गिलास के तरह तुम्हारी खोपड़ी के भी टुकड़े कर देगी। तुम्हारे भाई को मेरे चचाजाद भाई चौधरी करामत ने कत्ल किया था। मेरा भाई तो करामत का खास आदमी था। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे भाई और करामत की बीवी के नाजायज ताल्लुकात थे, जिसका करामत को पता चल गया। उसने पहले अपनी बीवी और फिर तुम्हारे भाई को कत्ल कर दिया। इस वक्त करामत कहां होगा? ये भी कोई मौका है कत्लो गारत गिरी का? गुस्सा छूक दो भाई सुल्तान, क्या रखा है दंगा फसाद में? बता दो। करामत इस वक्त कांची के जंगलों में शिकार खेल रहा है और कांची के रेस्ट हाउस में ही ठहरा हुआ है। शिकारी सुल्तान कांची के जंगलों से जिंदा वापस लाए। बहुत अच्छा चोरी सर। शिकार करने आया था, खुद शिकार होकर चला गया। टाइगरों पर कब्जा करने के लिए पहले आपने उसकी बीवी को मरवा दिया, और अगर करामत की कोई औलाद होती तो उसे भी मरवा देते। और फिर करामत को अपने रास्ते से हटाने के लिए आपने करामत के जांबाज बॉडीगार्ड सुल्तान के भाई को मरवा दिया, और इल्जाम करामत पर डाल दिया। और अब न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। घबराने की कौन सी बात, मैं शिकार खेलकर शाम तक वापस आ जाऊंगा। ये शिकार का कौन सा मौसम है, चारों तरफ पहाड़ों पर तो बर्फ पड़ी हुई है। यही तो मौसम है शिकार का। कहाँ जा रहे हैं अब्बू? मेरे अब्बू को लेने जा रहे हैं ना चाचा। हाँ मेरे बच्चे, तेरे अब्बू ही को लेने जा रहा हूँ। चल बानू। Thank you.
Thank you.
लोगों का दर्द समझ लिया। अरे पकड़ो पकड़ो। Thank you.
के चीखे ये लड़का? वो सुल्तान की बीवी। क्या हुआ सुल्तान की बीवी? मर गई। मर गई? कैसे? कमाल है, ये भी कोई मौका था मरने का? मौका हो ना हो, कुछ करो मुंशी, कुछ करो। क्या करूं चौधरी साहब, क्या करूं? कुछ करो मुंशी, कुछ करो। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कफन दफन का इंतजाम करो, जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो। न जाने किस जालिम ने इस बेचारी को कत्ल कर दिया। और जुर्म तो देखो, बच्चों को भी उठा कर ले गए। हाँ, बच्चे ही बच्चाते तो हम उन्हें अपनी औलाद की तरह पाल कर सुल्तान से दोस्ती का हक अदा कर देते। सुल्तान भी तो आप पर जान छिड़कता था चौधरी साहब। देखो मुंशी, सुल्तान की बीवी को हमारे खानदानी कब्रिस्तान में दफन करना, हम सुल्तान को गैर नहीं समझते। अबू अबू, क्या है? माँ बुला रही है। ये भी कोई मौका है बुलाने का? चल भाग जाए यहाँ से। मैं तो कफन दफन का इंतजाम करके ही जाऊंगा। आओ मेरी जान। मैंने अपना काम कर दिया चौधरी साहब, रात करामत को शराब पिला के कत्ल कर दिया और खामोशी से निकल आई। मुझे अगर मालूम होता कि सुल्तान आ जाएगा तो करामत को कत्ल करने के लिए मैं तुम्हें कभी न भेजता। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम अगर करामत को कत्ल ना भी करती तो सुल्तान उसे कत्ल कर देता। तो इसका मतलब ये है कि उस काम के लिए तुमने जो इनाम देने का वादा किया था उससे फिर रहे हो? अरे नहीं मेरी जान, इनाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा। आज रात तुम हमारी मेहमान हो। सुबह जब तुम यहां से जाओगी तो हम तुम्हें माला माल करके रुखसत करेंगे। तुम अंदर जाओ, हम अभी आते हैं। जो होगा। कमाल है, ये भी कोई मौका है हंसने का? गांव वाले तो कह रहे हैं कि सुल्तान की बीवी के गम में चौधरी साहब का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो तो सब ठीक है मुंशी, मगर उस बच्चे का कोई पता चला जिसने कल रात असल देखा था? आप फिक्र न करें, हमारे आदमी उसे तमाम बस्ती में तलाश कर रहे हैं। वो बचकर जाएगा कहां? मुंशी, सुल्तान की बच्ची का क्या किया जाए? वो कमबख्त तो खामखा गले पड़ गई है। आप इसे गले पड़ना कह रहे हैं? मैं तो कहता हूं कि नेकी करने का इससे बेहतर मौका फिर कभी हाथ नहीं आएगा। नेकी? और नहीं तो क्या, सुल्तान की बच्ची को आप पाल लेंगे तो बस्ती वाले समझेंगे आपने यतीम बच्ची पर रहम खाया, आपकी दरिया दिली का शोहरा हो जाएगा। कैसी बातें करते हो मुंशी, उस बच्ची ने तो अपनी आंखों से मां का कत्ल देखा है, अगर किसी को बता दिया तो। वो इस काबिल ही नहीं रही हुजूर कि किसी को कुछ बता सके। वो कैसे? आप खुद चल कर देख लीजिए। चलो। तूने क्या देखा था? क्या देखा था तूने कल रात? बोल बोल। क्यों चौधरी साहब, अब तो यकीन आया आपको कि ये गूंगी हो चुकी है और बेजरर भी है। गूंगी?
ग्रीष्मा, तेरी चाची कहाँ है? और दोनों कहाँ बच्चे? चाचा, चाची को तो वो वेली वाला चौधरी ने मार दिया, और बानो ऊपर चिनार में आकर मर गई। चाचा चौधरी, बीवी को करामत के आदमियों ने कत्ल किया है। नहीं! मुझे यकीन है करामत की बीवी को तूने ही मारा। मेरे बेगुनाह भाई के खून से भी तूने ही अपने हाथ रंगे हैं। मैं तुझसे एक एक कत्ल का बदला लूंगा गुलबाज, एक एक कत्ल का बदला लूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा गुलदार, पहली गोली मैं तेरी खोपड़ी में मारूंगा, मेरी बीवी का इंतकाम होगा। दूसरी गोली मैं तेरे दिल में मारूंगा, मेरे बेगुनाह भाई का इंतकाम होगा। और तीसरी गोली से मैं अपना इंतकाम लूंगा। चौधरी साहब को मार दिया। हाय हाय, चौधरी साहब मर गए। चौधरी साहब, ये भी कोई मौका था मरने का? अभी तो करामत की जागीरों पर कब्जा करना था सरकार। चौधरी साहब, आप जिंदा हैं? मैं भी यही सोच रहा था कि करामत की जागीर हासिल किए बगैर आप कैसे मर सकते हैं। कहाँ बाबा? इस बस्ती और इन वैश्य इंसानों से बहुत दूर। क्यों मुंशी, अगर हम सारी जिंदगी अय्याशी में गुजारते तब भी ये जागीरें खत्म नहीं होंगी। और इन जागीरों को हासिल करने के लिए आपने न जाने कैसे कैसे पापड़ बेले। मुंशी जी सरकार, ये बताओ करामत की इस बस्ती में हमारे बारे में क्या राय है? जब से आपने इन लोगों में अनाज और पैसा तकसीम किया है, ये लोग आपकी दरिया दिली के गुनगाने लगे। गुनगाने लगे हैं। Thank you.
बदल बदल के सीने में रहे न जाए अरमान न चल न चल के आधी तो शब गुजर मेरे घर में रखकर जो मुझसे नेकी करवाई है वो मुझे बहुत ही महंगी पड़ रही है। जब भी मैं इसे देखता हूँ मेरा खून खौल उठता है। जी चाहता है मैं उसे खत्म कर दूं। गुंगी को खत्म करने का मौका हाथ से चला गया चौधरी साहब। सारी बस्ती को मालूम हो चुका है कि गुंगी को आपने पाल रखा है। अब अगर अचानक ये मर गई तो लोग बातें बनाएंगे। तुम मुझे इसे बर्दाश्त करना होगा। बाबा का इलाज कर। बीमार है, करता है। इलाज कैसे करूं? दवाएं तो लाया ही नहीं। अच्छा, दवाएं लानी है? अरे मैं पकड़ दवा के कर दूंगा। चल, हाँ इलाज करता है। इलाज कर अपना या बाबा का। है तुझे क्या हुआ? मुझे अभी एक जंगली भैंस ने दो बार पटका। अच्छा सुन बच्चे, तू भैंस की बस्ती में जाके राशन ले आ।
चंद दिनों बाद ज्यादा बर्फबारी शुरू हो जाएगी और मैं बीमारी की वजह से नहीं जा सकूंगा। राशन ना, मैं भी लेकर आता हूँ। अरे अरे, मेरी बस्ती पे तो बर्फबारी हुई है, सब लोग नीचे उतर गए हैं। नौजवान बच्चे, तुझे नीचे की बस्ती में जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ तो ना आज तक ये गया है और ना मैं, कहीं बच्चा। हाँ, वो इतना बच्चा भी नहीं है जितना तुम समझते हो। बच्चा राशन ले आएगा। हाँ बाबा, बच्चा राशन लाएगा। अच्छा अच्छा, तो फिर तू जा, लेकिन किसी से उलझा नहीं, राशन लेकर सीधे आ जाना। बच्चा सीधा जाएगा बाबा, बच्चा सीधा आएगा बाबा। हाँ, हाँ। ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खैबर खान, गुलम की तुम्हारी ही बेटी है, जब चाहो ब्याह कर ले जाओ। शुक्रिया मुंशी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तो बिल्कुल गुल का हो जाए। शाबाश मेरे बच्चे। क्या कहा उस्ताद जी, उल्लू के बच्चे? नहीं बेटे, मैंने कहा मेरे बच्चे। आपका बच्चा भी हुआ तो तब भी उल्लू का बच्चा ही हुआ ना। ऐसा करो, सुनो, इससे पहले कि मैं गुजर जाऊं, इससे पहले कि मैं तुम्हारी पहलवानी का ऐलान सरेआम करूं, अच्छा, तुझे एक बात से परहेज करना होगा। क्या 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 क्या? औरत, औरत से परहेज करना होगा। औरत से परहेज करना होगा। औरत से परहेज करना होगा। हाँ। उस शादी काम खराब हो गया। क्यों? वो मेरा बाप है ना, उसने शादी कर ली। नहीं नहीं, वो तो अभी कुंवारा है। आप क्या रिश्ता हो तो बता दीजिए। वो कुंवारा है तो क्या तुझे जिन्नों के घर से लेके आया? नहीं नहीं, मैं आपके घर से तो नहीं आया। बात दरअसल ये है साजी, के हमारे घर के पास एक लड़की रहती है, उससे मेरे बाप ने मेरी शादी की बात पक्की कर ली। बस ये शादी नहीं तेरी बर्बादी, तेरी भी शानदार सेहत का जनाजा निकलेगा और सरेआम निकलेगा और तू सूख के मुल्तानी छुआरा बन जाए। हाँ, इसका मतलब है शादी नहीं करनी चाहिए ना, सेहत खराब हो जाती। बिल्कुल, इसीलिए आपने सारी जिंदगी शादी नहीं की। मैं लेकिन उस्ताद जी, ये आपकी सेहत से... बेटे मैं जरा बीमार शिमार रहता हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन इस बीमारी का आपकी मूंछों पे तो कोई असर नहीं पड़ा है। अरे डरता क्यों है? मैं तो तेरी गुल हूँ। गुल? मेरी गुल या मेरा पठा गुल? बुलबुल, ये तो इतना तैयार होके क्यों सो रहा है? क्या पता कहीं खाद में मुझे जाने पड़ जाए। खाद में? बुलबुल एक बात बता। अच्छा, तेरी मेरी शादी तय हो गई। शादी तय होगी? इसका मतलब यह है कि मेरा बिस्तरा तय हो गया? बिल्कुल नहीं, मुझे पता है तो ये मेरी सेहत और मेरी मेहनत के खिलाफ एक साजिश है। अरे अरे, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती हो? मुझे प्यार करती हो? प्यार करती हो? आजकल की लड़कियां तो ये चाहती है कि कोई लड़का सेहतमंद रहे ही ना। हाय। अरे गुरु, तू इतनी जल्दी में कहां से आ रही है? बकवास ना कर, पहले बड़ी झगड़े लगी है। हाय, पहलवानों से मिलेगी तो इसी तरह आना जाना रहेगा। शादी के बाद उसकी पहलवानी छुड़ा देना, वरना बहुत तकलीफ होगी। वो तो मुझसे शादी करने फिर ऐसा मानती नहीं है। क्यों?
वो कहता है तो गुल नहीं मेरी मौत है और वो शादी नहीं मेरी सेहत के खिलाफ एक साजिश है। ये शादी नहीं हो सकती। शायद किसी ने औरत से प्रेस करने को कहा तो फिर मैं क्या करूं? अरे औरत तो अपनी अदाओं से बड़े बड़े शहनशाहों का सर झुका देती है, वो तो एक अदना सा पहलवान है। अरे सच क्या वो मान जाएगा? उसका बाप भी मान जाएगा। उसके बाप से मुझे क्या वास्ता? अरे वही इधर ला कांच तुझे एक तस्वीर है। अरे हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। आपकी हैली में रहती
मेरा बाबा रहते हैं। क्या नाम है तुम्हारे बाबा का? प्रतान। तू मुझे राशन देगा? हाँ जरूर दूंगा बच्चे, आज से तू हमारा दोस्त। ओ दोस्त। तू दे राशन, आज तू हमारा मेहमान। बस्ती की सैर का सुबह जब तू यहां से जाएगा तो अपना राशन अपने साथ ले जाना। बच्चा बच्चा सैर करेगा। Thank you.
आप मुझे मार। लड़ाई लड़ाई करे बच्चे, बैठ जा। मैंने तुम्हारे लिए खाना पकवाया है, खाना खाएगा? खोलो खोलो, वो चमका खाना खाएगा। ए, जा खाना ले आ। खाना खा लो। खाना? बच्चा खाना खा रहा। हो? ये अच्छा मौका है। नींद आ रही है, जाओ सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें खुराक दे दूंगा तो चले जाना। तो बच्चा यहाँ सो जाए? नहीं या नहीं, तुम्हारे सोने का बंदोबस्त ऊपर वाले कमरे में है। ए, रो, रो। बच्चे को ऊपर वाले कमरे तक पहुंचा दो, जाओ जाओ। क्या रहीम शहीम बच्चा पाला है आपने, ये भी कोई मौका है बच्चे पालने का? मुंशी,
یہ بچہ سلطان کے ساتھ پہاڑوں پر رہتا ہے. صبح جب یہ خوراک لے کر جائے گا تو ہم اس کا پیچھا کرتے ہوئے سلطان تک پہنچ جائیں گے. اور آپ کو پھر سلطان یاد آئے. سلطان کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے. بچہ سوچا کوئی اچھی لگتی ہے. کوئی اچھی لگتی ہے. معلوم ہوتا ہے بچہ سو گیا. نیند تو مجھے بھی آ رہی. بن جاؤں سایا تو جائے جہاں بھی ساتھ رہوں. بس جاؤں تیرے من میں تیرے ساتھ یوں ہی دن رات رہوں. پر تو نے تھا کہ اس بچے کا پیچھا کر کے میں سلطان تک پہنچ جاؤں گا. خواہش کام کے عوض وہ مجھ سے گونگی کو ہی لے لے. اور اگر یہ کام میں کر دوں تو کیا آپ گونگی مجھے دے دیں گے؟ تم ہاں تم سلطان کو زندہ یا مردہ میرے پاس لے آؤ تو گونگی تمہاری ہے. یہ کمبخت بچہ تو بالغ بلکہ بالغوں کا بھی باپ نکلا. کڑی اچھی لگتی کہتے کہتے اسے اٹھا کر ہی لے گیا. میرا خیال ہے چودھری صاحب کہ سلطان نے اسے گونگی کو لینے ہی جاؤ گا. سلطان مجھ سے بچ نہیں سکتا. اب تو مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہیں بچہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا. جانے وہ کہاں رہ گیا ہے. وہ اب اتنا بچہ نہیں جتنا آپ سمجھتے. آ جائے گا. تم نہیں سمجھتے رج. اس نے بچپن جنگلوں میں گزارا. جنگلی جانوروں سے کھیلتے کھیلتے جوان ہوا. انسان اس کے لیے جانور اور جانور اس کے لیے انسان. کہیں کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھا ہو. آؤ چل کر دیکھتے ہیں. تمہاری مرضی. آؤ you
राशन लेने यहां भी नहीं पहुंचा। फिर वो कहां गया? पता नहीं कहां चला गया। चलो आओ देखते हैं। आओ चल। ना खा।
क्या हुआ बेटे? अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक था। मैं तो अभी ठीक हूँ वालदेन। बच्ची ये है, जल्दी जल्दी चल जाओ। मुझे जो कुछ भी हो गया तू चली जाए यहाँ से। आ गई है मेरी सेहत खराब करने, मेरी साल आसाल की मेहनत जाया करने। जा चली जा। वही हुआ जिसका मुझे डर। क्या हो गया? मेरे बुलबुल पर जिन सवार हो गया। जिन सवार हो गया? पापा मैं बुलबुल हूँ, कोई रक्षा तो नहीं हूँ जिस पर जिन सवार हो गया। मेरे घर पर जिनों का खाया है, लेकिन मैं नहीं मानता था, अब मुझे मानना ही पड़ गया। सुन लिया, मुझ पे जिन सवार हो गया है। अब गा गाना ये दिन जवानी के चप्पन क्या चल गए थे। पहले के दिन कहाँ पर हावी हो जाए, उसका जिनों तारने का बंदोबस्त करना चाहिए। क्या करूं मेरा जवान बेटा। होता को बुला लाओ, जिन उतारने में पूरी दुनिया में उसका आसानी नहीं। अगर इतनी देर में बुलबुल भाग गया तो उसे बांध देते हैं, उसे बातों में लगाओ और मैं अभी रसा लेकर आता हूँ। बुलबुल बेटे। जी बाबा जान। क्या हुआ बेटे? कुछ भी नहीं, आपको क्या हुआ? कितना बूढ़ा हो गया, रो रहा है। ओए ये क्या कर रहे हो मुंशी? ओए मुझे कट्टर समझ रहे हो? बातों का ख्याल मत करना, ये बुलबुल खान नहीं जिन बोल रहा है। और आराम ना, जिन बोल रहा है बाबा जान। खबरदार जो मुझे बाबा जान का, मैं किसी जिन का बाप नहीं। और बाबा जान आप भी मुकर गए? तो खुदा के वास्ते क्या कर रहे हो भाई? और ये क्या कर रहे हो? ये क्या खान, तू जल्दी से खोता साहिब को बुला रहा। बहुत अच्छा। खोता? ओ बाबा जान, खुदा के वास्ते किसी और जानवर को ले आओ। खोते को ना रहा, तेरा खाना खराब है। अब खोता आ गया तो पता नहीं क्या करेगा। तेरा बेटा करेगा, तू बाप है, तेरा दुर बेटे में तेरे बाप बनेगा। अरे खाना बनवा दिया तेरा खाने। और दादा पेड़ा खाना खड़ा। और खोल मुझे पागल का पुत्र। ये तो सरासर ज्यादती है। ये बुलबुल नहीं जिन बोल रहा है। हाँ जिन नहीं, तुम्हारा फुफड़ बोल रहा है। पागल का पुत्र खोल मुझे। देखा, बड़ा मक्कार जिन है, चक्कर दे रहा है। चक्कर दे रहा है, चक्कर दे रहा है। वालेकुम। आपके सर में अम्बल ताश लगी हुई। बकवास बंद कर बच्चा। और ये बता, जिन्हों के सहन था कि तू इस छोटे से मासूम चिन्ह के अंदर कैसे घुस गया है? जल्दी बता वरना तुम्हें जन्म प्रश कर दूंगा। नहीं साईं जी, मैं कोई नहीं मानते, मुझे खोल रही है। जिन्हों का सहन था, वो अपने जुर्म से इनकारी है। ये तेरी मकारी है और ये किसकी तरफदारी है? जल्दी बता। नहीं मुझे नहीं छटूंगा, तुझे मिर्चों की तू ही दूंगा, तुझे सबक याद करवा दूंगा। आइंदा तू इस तरफ करुख नहीं करेगा। बच्चा, आठ शेर मिर्चें, दो शेर लून, एक मन मुश्का भूर बोरियों में भर के यहाँ लाओ। हम उसको बड़ी खौफनाक झूनी देना चाहता। ये आप जिन निकालने आए हैं या चांपे खाने आए हैं? चुप कर महाराजी का बच्चा, अब हम तुम्हें बता देगा। हम बता देगा रावी के खगे तुम इस मासूम बच्चे के अंदर घुस गया है। पगलो सिनार ले, पगलो सिनार पगलो देख।
लाओ लाओ मिर्चों की खूनी जल्दी लाओ, खेती करो जल्दी करो। ओ खुदा के वास्ते ये जुल्म ना करो, ये आग बता जिन्नातों के शहंशाह तेरा नाम? मेरा नाम जोकर। अच्छा तू ये बता जिन्नों के शहंशाह हमारे इस मासूम से किया कद्दू के जिस्म कब घुसा? इकहत्तर की जंग के बाद। ये बता तो यहाँ से कब वापस जाएगा? जब पासपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा तुम बस का किराया मैं देना। अब बता कि वापस तो नहीं आएगा? तौबा तौबा मेरे बाप की तौबा। ठीक है लो बच्चा, मैंने दिन का मक्कू ठप दिया गया है, दिन चला गया है, अब अंक होता भी जाएगा। बाबा जी मेरे आने जाने का कन्वेंस और मशवरे की फीस दीजिए। भाई जी आपने पैसों की तो कोई बात नहीं की थी, ये तो खुदा वास्ते का काम है। बिना भूखे ने बस पह गया। मेरा खोता किधर गया? कहीं आपने उसको बेच तो नहीं दिया? मेरा खोता खोता मेरा यही मौजूद है। अच्छा अब तुम लोग इस ठंडे को खोलो, इसकी रस्सियां खोलो ताकि ये ठीक हो जाए। अभी तक धुआं निकल रहा है। बुलबुल, ए बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल कहाँ है? अपने कमरे में। खोता चला गया। हाँ तुम्हारे दिन उतर गया है ना? उल्टे टंगे टंगे मेरे तो कितने उतर गए हैं, दिन तो मुझे चढ़ा ही नहीं था। कोई बात नहीं, बाद में सब लोग यूं ही कहा करते हैं। मुझसे शादी करेगा ना? अगर जिंदा रहा तो। शादी? और देखो अब तुम भी उतर जाओ। तो फिर शादी से इनकार क्यों है? तुमने अपनी शादी के लिए मुझे यूं बना दिया जैसे भुनी हुई शकरकंदी होती। देखो अगर शादी से इनकार करोगे ना तो मैं साईं खोता को बुला लूंगी। मेरे साथ शादी करने के लिए तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। वो क्या? अगर तुम उस शर्त पर पूरी उतरी तो याद रखो तुम्हारे साथ क्या तुम्हारे पूरे खानदान के साथ शादी करूंगा। अरे बड़ी से बड़ी शर्त बता, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं हर इम्तिहान में पूरी उतरूं। मैं पैदाइशी तौर पर पहलवान हूँ और हर पहलवान अपनी जिंदगी का अहम तरीन फैसला अखाड़े में करता है, और अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मेरे साथ कुश्ती का मुकाबला करना होगा। लेकिन मैं तुम्हारा मुकाबला? हाँ मेरा मुकाबला शादी के लिए। मुझे मंजूर है। आज से ठीक 8 रोज बाद बस्ती के अखाड़े में। ये मन का तुड़वाएगी मुझसे, बुरा न मानिएगा। बच्चा शिकार खेलने जाएगा, कुड़ी यही रहेगी। जानू मेरा बेटा है चौधरी साहब, वो सुल्तान का पता मालूम किए बगैर नहीं आएगा। वैसे चौधरी साहब मेरा ख्याल है कि आप सुल्तान का ख्याल अपने दिल से निकाल ही दें। नामुमकिन है, नामुमकिन है ये। मैं
पहले मैं समझता था कि सुल्तान कहीं मर थक गया होगा, तो मुझे सब्र आ गया था और मैं उसका इंतकाम उसकी बेटी पर जुल्म करके ले लेता था। लेकिन जब से मुझे पता चला है कि सुल्तान जिंदा है, तो मेरा जी चाहता है कि मैं उसको उसी तरह मारूं जिस तरह उसने उसने तो फिर सब्र कीजिए। जानू सुल्तान को लेकर वापस आता ही हो। मैंने खोला है बाबा, कुड़ी को बांधे नहीं तो कुड़ी भाग जाएगी। कुड़ी के बच्चे? ये तो किसकी बच्ची उठा लाया? चौधरी की कुड़ी। कौन सी चौधरी की? नदी पार वाले बस्ती की चौधरी की। मुझे अच्छी लगी है, मैं ले आया बाबा। पर बाबा ये भागती है, इसे बांधते। इस बच्ची को उठाकर न जाने तूने किस भाई की गैरत को ललकारा है, किस बाप की इज्जत का नीलाम किया है, किस माँ की गोद वीरान की है। इज्जत, गैरत, गोद और कुछ नहीं बाबा। कुड़ी अच्छी लगती है, मैं ले आया हूँ। जा, इसे वापस कर गया। इसे वापस कर गया मैं करेंगे, नहीं वापस जाएगा। अच्छा तू नहीं जाता तो मैं ऐसे खुद छोड़ गया था। बाबा कोड़ी नहीं छोड़ गया, कोड़ी अच्छी लगती है। कोई खुदा लेके जा बाबा, कोई गुनाह दे के जा। बाबा तुम्हें गोली मारूंगा। बाबा दरिया के उस पार तक तो उसका सुराग मिला चौधरी साहब, फिर उसके बाद बर्फ इतनी ज्यादा है कि रास्ते ही नजर नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम नौका वापस लौटे हो चौधरी साहब। जानू का मतलब ये है कि चंद महीनों बाद बर्फ पिघल जाएगी, रास्ता साफ हो जाएगा तो आसानी से सुल्तान तक पहुंच जाएंगे। ये आपकी लड़की को मेरा बच्चा उठा कर लाया। बिल्कुल बात, तू जिंदा है। तेरे ही इंतजार में जिंदा था। अच्छा हुआ तू आ गया सुल्तान। अगर मुझे मालूम होता कि तू जिंदा है तो मैं फिर आता, और जब आ गया हूं तो तुझसे अपनी बेगुनाह बीवी का इंतकाम लिए बगैर नहीं जाऊंगा। जब यहां आया हो वरना किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा चौधरी। अपनी बच्ची को सामने से हटा दे चौधरी, वरना मैं इसे ही गोली मार दूंगा। चलाता क्यों नहीं गोली, चला चला और मार दे से। चौधरी हटा ले सामने से। नहीं हटाऊंगा मैं तुझे, आखिरी बार कहता हूं, इसके बाद मैं कोई जा दूंगा। किस बात का इंतजार है? चला गोली चलाओ। अच्छा तो फिर ये ले, जिसे तू गोली मार रहा है सुल्तान वो तेरी अपनी ही बच्ची है। तेरी बच्ची तो मर गई थी। नहीं वो जिंदा है, चौधरी की हवेली में पली पड़ी, जवान हुई और आज तेरे सामने खड़ी। यकीन नहीं आता तो चला बोली, इसके जिस्म से बहता हुआ खून तुझे बाप कहकर पुकारेगा।
ये भी कोई मौका है पूछने का? वो तो अब तक घर पहुंच चुका होगा। न करो बाबा, को जल्द ही होश आ जाएगा। मेरी बच्ची, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची कहाँ है? बच्ची? कौन बच्ची बाबा? वो जिसे मैं ले गया था, वो गुड़ी? कहाँ है वो? मैं उसे छोड़ आया बाबा। छोड़ आया? हाँ बाबा, पीछे पीछे भागी, वही गुली में जाऊंगी। मैं बोला तो नहीं जाऊंगी, वो इज्जत तो गैरत तो नहीं जाऊंगी। मैं उसे छोड़ आया बाबा। क्यों छोड़ आया? बाबा तूने तो कहा था कुड़ी इज्जत कुड़ी गैरत। मैं छोड़ आया? ये तूने क्या किया? जाओ चले कर। हाँ, कभी बोलता छोड़ा, कभी बोलता ले आ। जल्दी जाकर ले आ, वरना वो मेरी बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो उसे मार डालेंगे। बाबा, 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 मेरी बच्ची, बाबा, मेरी बच्ची, मैं आ गई बाबा। मेरी बच्ची,
अब तुझे मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरे पास बाबा को पूरी अच्छी लगती है। पच्चीस, छब्बीस, सताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस। अरे मुकाबले के लिए तैयार हो? ताकत तो नहीं, बस जज्बा है, जज्बा है। अरे मुकाबला कब है? कल। मुकाबला 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 भूले बुलबुल का, यानी बुलबुल पहलवान, पट्टा उस्ताद बगला पहलवान, रुस्तमे पहाड़ियाँ और गुल पहलवानी पट्टी बानो पहलवानी के दरमियान है। मुकाबला शुरू होता है। मुकाबला फिर होगा। ये चक्कर क्या? चक्कर नहीं, ये मेरी पट्टी है, जहाँ चाहे और जब चाहे तुम्हें ललकार सकती है। ये तुम्हारी पट्टी है या किसी की भी पट्टी है? मुझे मंजूर है। मुकाबले की तारीख मुकर्रर करके मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। किड्डा शौक से ब्याह कराऊंगा। अरे बानो की बच्ची है, तूने क्या किया? मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। हिम्मत ना हार पट्टी, बुलबुल ने तुझे ताकत से नहीं दांव पे से हराया। अरे तूने मुझे अपनी पट्टी तो बना लिया, लेकिन दांव पे नहीं सिखाया। दांव पे तो मुझे भी नहीं आते, तो फिर कहाँ से सीखे? हाँ मुझे याद आया, बुलबुल का एक उस्ताद है। अच्छा, तुझे उसकी शागिर्दी में दे दूंगी। हाँ। वो तुझे सब कुछ सिखा देगा। ये ठीक है, तो फिर चल चले। Thank you.
प्यारे बच्चे, तुझे क्या हो गया? बिस्तर पर शिकार के लिए भी नहीं जा सकता। आपको शिकार खेलने की क्या जरूरत है? बच्चा क्या खेल लेता शिकार? जो शिकार खेलना है बच्चा नहीं खेल सकता।
आ गई? जी साहब जी। वो साँव और पेच मुकद्दस पहलवानों की अमानत होती है, और जो सीना दर सीना मुंतकिद होती रहती है, और जो सिर्फ और सिर्फ शागिर्दों को बताई जाती है। मुझे कोई एतराज नहीं। अगर तुझे कोई एतराज नहीं तो करीब आ मेरी नाल। जी? मेरा मतलब है लड़की कि हम तुझे ऐसे दाव पे हैं कि वो बुलबुल तो क्या उसका बाप तोता भी साथ समंदर पार से आएगा, वो तेरे नाम से थर्राएगा। मुझे साथ समंदर पार से क्या, मुझे तो सिर्फ अपने प्यार की जरूरत है। उस काले गुम्बद से प्यार करके क्या करोगी? मेरे करीब आओ और आओ और करीब और। जी? ये दाव है या पेच? ना ये दाव है ना पेच, ये तो वो आग है जो मेरे सीने में बरसों से लगी हुई है। यानी मेरा मतलब है एक लड़की को शागिर्द बनाने वाली आग है। ओ, वो कुछ सिखाएंगे भी या सिर्फ बातें ही बनाते चले जाएंगे? सिखाएंगे और जरूर सिखाएंगे, ऐसा काम सिखाएंगे। आजा आजा। ये तुम अखाड़े में आई हो या नाच में आई हो? है अभी दाव पे शुरू नहीं हुआ। ना जी, मेरी बागर बिल्ली, इसको कहते हैं करंगा। उस्ताद जी, ये तो याद हो गया, अब कोई और दाव सिखाए ना। इतनी जल्दी याद ना करो, आहिस्ता आहिस्ता। अभी दाव पेश शुरू नहीं हुआ। उस्ताद जी। ना जी, वो करंगा था, ये अरंगा है, और अभी लपंगा बाकी है। उस्ताद जी, ये सब तो मैं सीख गई, अब कोई और दौर सिखाइए ना। अच्छा, ओ अभी दाव पे शुरू नहीं हुआ। उस्ताद जी, तुम तो कहते थे कि मैं औरत से सौ घर के भाषा में बात करता हूँ, ये तो सौ सूत्र का भी बात वाली। अबाबील, तू तो मुझे कहता था कि औरत से परहेज करना है और खुद भरपरहेज कर रहा। बेटे, जब तक मैं इस लड़की से नहीं मिला था ना, मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन अब मेरा इरादा है कि तू इससे शादी कर ले। अब तो इस शादी से तेरा बाप भी नहीं रोक सकता, समझे? चल। होय 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 होय, जिंदगी में एक ही लड़की मिली थी, वो भी ये जापानी गहना ले। तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं पैदाइशी तौर पर पहलवान हूं, आज के बाद इस घर पे वो हुक्म चलाएगा जो जीतेगा। खेलिए कर रहे हैं। कुड़ी, खाना ला दो।
मुझे शर्म आती है। किससे शर्म आती है? तालाब से। कौन सा तालाब? मैं तबाह हो गया, एक शिकारी
एक नजर का हाय शिकार हो गया, हाय 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 मर गया, लुट गया दिल गया, मैं तबाह हो गया। मेरा बेड़ा पार हो गया, मर गया लुट गया दिल गया, मैं तबाह हो गया। एक शिकारी एक नजर का हर शिकार हो गया, मर गया लुट गया दिल गया, मैं तबाह हो गया। मैं फिदा हो गया, मेरे दिल में प्यार जागा, जाने क्या हो गया, तूने झटके बाल भीगे, मैं फिदा हो गया। मुस्कुरा के तूने देखा दिल निसार हो गया, मर गया लुट गया दिल गया, मैं तबाह हो गया। एक शिकारी एक नजर का हर शिकार हो गया, हाय 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 मर गया लुट गया दिल गया, मैं तबाह हो गया।
तुम उसे संभालो, इसे मैं लेके जाता हूं, सुल्तान खुद इसे लेने आ जाएगा।
लेता जाऊंगा। सुल्तान, हाँ सुल्तान, जिसके सीने में आज भी इंतकाम की आग उसी तरह रोशन है जिस तरह आज से 10 बरस पहले थी। भाई सुल्तान, जिसे अपनी मासूम बीवी का चेहरा आज भी याद है, जिसे 10 बरस पहले तूने अपनी हवस का निशाना बनाया था। तू आ ही गया है सुल्तान, तो आज ये फैसला जरूर हो जाएगा कि हम दोनों में से किसे जिंदा रहना चाहिए। ये फैसला तो हो चुका है चौधरी, अभी चंद लम्हों बाद मेरी बंदूक की नाली से निकली हुई गोली तेरी मौत का पैगाम बन जाएगी। आज मैं तुझे तड़पा तड़पा कर नहीं मारूंगा, क्योंकि तुझ जैसे बेगैरत जंगली दरिंदे के लिए काफी होती है। का फैसला होगा। जा। क्यों सुल्तान, बेगैरत तड़प तड़प कर भी जिंदा रहते हैं? अभी मैं तेरी आंखों के सामने तेरी इज्जत से खेलूंगा और तू तड़प तड़प कर भी जिंदा रहेगा। अपनी आंखों के सामने अपनी इज्जत को लुटते देखेगा।
बने बने ही मर जाएगा। लेकिन कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। नाम दे बस तू सुल्तान। कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा।